तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, जहां दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से भूचाल सा आ चुका है। पहले राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बुलाया, बीजेपी पार्टी ने बहुमत पेश ना करने के बाद शिवसेना को बुलाया, लेकिन शिवसेना का दावा कि कांग्रेस एनसीपी उसके साथ है, लेकिन समर्थन जो है वो पेश नहीं करने के बाद राज्यपाल ने अब उनका समय खत्म कर दिया है और राज्यपाल ने अब यहाँ पर एनसीपी को यहाँ पर न्योता दिया है कि वो सरकार बनाने के लिए आ सकते हैं। एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के बाद तीसरी बड़ी पार्टी है और उसको न्योता यहाँ पर राज्यपाल ने दिया है और यहाँ पर अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यहाँ पर नवाब मलिक का एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं एनसीपी नेता अजीत पवार, जो की विधायक दल के नेता चुने गए हैं। यहाँ पर उनको बुलाया राज्यपाल ने और कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए उनको न्योता दिया जा सकता है। अब सरकार को लेकर पैंच बिल्कुल पूरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से यहां पर दावा किया जा रहा था कि उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी है सरकार वो बना लेंगे, लेकिन एनसीपी कांग्रेस का जो यहां पर चिट्ठी है वो यहां पर राज्यपाल तक नहीं पहुंची है, जिसमें साफ तौर पर सभी जो विधायक जो यहाँ पर शिवसेना के साथ है उनके मोबाइल नंबर हस्ताक्षर उस चिट्ठी में होने चाहिए थे, जो यहां पर शिवसेना की तरफ से पेश ना करने के बाद अब शिवसेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके बाद यहां पर एनसीपी को अब यहां पर राज्यपाल ने न्योता दिया है सरकार बनाने के लिए। ऐसे में सरकार कैसे बनेगी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल यहां पर फंस चुकी है। अब कांग्रेस एनसीपी मिलकर सरकार बनाती है तो फिर शिवसेना को क्या सीएम पद वो यहां पर देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ही लगेगा, क्योंकि अंतिम रूप वो ही होगा। एनसीपी अगर सरकार नहीं बनाती फिर कांग्रेस को बुलाया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र के अंदर लग जाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस के पास और एनसीपी के पास भी बहुमत नहीं है और यहां पर शिवसेना की मदद बोलेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिवसेना की मदद लेते हैं तो फिर क्या शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।